हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मॉडर्न स्टडी में। मैं अरशद खान आज आपके साथ बीए फर्स्ट ईयर के समाजशास्त्र का 12वां चैप्टर, जो कि आपके फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर का 12वां चैप्टर है, जिसका नाम है जाति और वर्ग। जाति और वर्ग में क्या फ़र्क है और उससे की क्या विशेषताएँ हैं और उस पर आधारित जो क्वेश्चन हैं आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने इसके पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जा करके आप चाहे भी ये फर्स्ट ईयर के हों, सेकंड ईयर के हों, थर्ड ईयर के हों, सारे वीडियोज आपको हर सब्जेक्ट के वहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। 12वां चैप्टर है आपका, उसका पहला क्वेश्चन है कि एक जाति अंतर्विवाही समूह या समूहों का संकलन है। जाति की ऐसी परिभाषा किस विद्वान ने दिया है? तो इसी परिभाषा देने वाले हैं हर्बर्ट रिजले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाति को बंद वर्ग किस समाजशास्त्री ने कहा है? तो जाति को बंद वर्ग कहने वाले हैं मजूमदार और मदान। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट, कितने सारे ईयर्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर नए हों चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये चैनल आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि जाति की सदस्यता होती है किस चीज़ से? जाति की सदस्यता मिलती है हमें जन्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हट्टन के अनुसार जाति का कार्य क्या है? वो है कि सामाजिक परिस्थिति का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी एस घुरिए ने जाति व्यवस्था के कितने लक्षण बताए हैं? तो जी एस घुरिए के अनुसार जाति व्यवस्था के कुल 6 लक्षण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाति व्यवस्था को प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से किसने परिभाषित किया है? तो हट्टन ने प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से जाति को परिभाषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस समाज में जाति सामाजिक संबंधों की केंद्रीय व्यवस्था रही है? वह है हिंदू समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति का केंद्रीय आधार क्या रहा है? पदानुक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्री हट्टन ने जाति के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? तो हट्टन ने कुल 3 प्रकारों का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो 10वां क्वेश्चन है वो है कि भारतीय समाज को एक जाति समाज के रूप में किसने विभाजित किया है? तो वो है सेनार्ट महोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस समाजशास्त्री का ये कहना है कि जाति निम्न जातियों का शोषण करने की एक प्रभावकारी व्यवस्था है? तो ये जॉर्ज मेंचर ने यह कथन कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाति व्यवस्था में गतिशीलता कितने स्तरों पर पाई जाती है? तो ये 3 स्तरों पर पाई जाती है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो कह रहा है, निम्न में से कौन सी विकृति जाति प्रथा से संबंधित है? तो वो है, ये सभी जो आपको तीनों ऑप्शन दिख रहे हैं, ये सभी विकृतियां जाति प्रथा में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाति की उत्पत्ति के व्यवसायिक सिद्धांत का प्रतिपादन किस समाजशास्त्री ने किया है? तो इसका प्रतिपादन करने वाले हैं नेसफील्ड। तो ये था दोस्तों क्वेश्चंस, अगर आपको पसंद आ रहे हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाति में वर्ग का अर्ध विकसित या संभवतः विस्फोटक रूप निहित है, वो किसने कहा है? कि B.M. दांडेकर ने कहा है। इस तरह की जाति की उत्पत्ति के माना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? वो है J.H. हट्टन। जाति की उत्पत्ति के राजनीतिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो वो है घुब्बाए और घुरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सामाजिक वर्ग लोगों या परिवारों का वह योग है जिनकी आर्थिक स्थिति लगभग समान होती है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है गुडनर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन कि सामाजिक स्तरीकरण में वर्ग का अर्थ है क्या? एक ऐसी स्वतंत्र संरचना जो आर्थिक और सामाजिक आधारों पर व्यक्ति समूहों को अलग अलग पहचान देती है, ये परिभाषा किस समाजशास्त्री ने दिया है? तो ऐसी परिभाषा देने वाले हैं मजूमदार और मदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉबर्ट वेर स्टीड ने सामाजिक वर्ग के विभाजन को कितने आधारों पर उल्लेख किया है? तो इन्होंने कुल 7 आधारों पर उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस समाजशास्त्री ने कहा है कि सामाजिक वर्ग एक ऐसा सांस्कृतिक समूह है जिसे संपूर्ण जनसंख्या में एक विशेष स्थिति अथवा पद प्रदान है? तो इस तरह की व्याख्या करने वाले हैं लेपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का योग है जिनकी एक दिए हुए समाज में अनिवार्यतः एक समान सामाजिक परिस्थिति होती है, ये कथन किस समाजशास्त्री का है? तो ये कथन है आकबर्न और निमकाप का। नेक्स्ट क्वेश्चन कि समाज स्वयं अपने को वर्गों में विभाजित कर लेता है, यह विभाजन धनी और निर्धन, शोषक और शोषित अथवा समाज शासक और शासित में होता है, यह परिभाषा किसने दिया है? तो यह परिभाषा दिया है कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉबर्ट वीरफील्ड के अनुसार वर्ग विभाजन का आधार क्या है? तो रॉबर्ट वीरफील्ड के अनुसार कौन सा आधार है, उसके लिए हम चलते हैं चारों ऑप्शन की तरफ। तो आपका जो गा नंबर का ऑप्शन है वो सही है, वो क्या है? आय, व्यवसाय और शैक्षणिक स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वर्ग उदाहरण है किस चीज का? तरलता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति और वर्ग ये दोनों क्या हैं? ये सभी हैं। कौन से? वास्तविक और अनुभाविक, अंतःक्रिया और सोगानुपात, परस्पर प्रविष्टि, ये सभी हैं जाति और वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भाषा के शब्द कास्टला से, अंग्रेजी शब्द कास्ट की उत्पत्ति हुई है? तो कास्टला जो शब्द है वो पुर्तगाली शब्द है, वहां से कास्ट शब्द की उत्पत्ति हुई है। जाति शब्द की उत्पत्ति का पता सन 1665 में किस विद्वान ने लगाया? तो 1665 में पता लगाने वाले थे डी आरेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाति को परिवारों या परिवारों के समूहों के एक संकलन के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो इस परिभाषित करने वाले हैं रिजले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाति एक सामाजिक समूह है जिसकी सदस्यता केवल उन व्यक्तियों तक सीमित होती है जिन्होंने उसी जाति में जन्म लिया हो जो अंतर्विवाही हो। जाति की ऐसी परिभाषा किसने प्रस्तुत किया है? तो इस तरह की परिभाषा देने वाले हैं डॉक्टर केतकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाति वास्तव में एक विस्तृत नातेदारी समूह है, यह कथन किस समाजशास्त्री का है? तो यह कथन है इरावती कर्वे जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समाजशास्त्री ने जाति को एक राजनीतिक इकाई माना है? तो इस मानने वाले हैं डॉक्टर R.N. सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, किस समाजशास्त्री ने प्रजातीय मिश्रण और अनुलोम विवाह को जाति की उत्पत्ति का एक उत्तरदायी ठहराया है? वो है हर्बर्ट रिजले। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके इस चैप्टर का, निम्न में से कौन सा कारक जाति व्यवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? तो आपके सामने जो तीनों ऑप्शंस दिख रहे हैं, ये तीनों ऑप्शंस ही जाति व्यवस्था के परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं। तो दोस्तों, ये था आपका 12वां चैप्टर। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस चैनल आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।